नमस्कार, जीबीएन 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर आज अपने एक दिवसीय दौरे के क्रम में बोधगया पहुंचे। गया एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्थल मार्ग से बोधगया पहुंचे, जहां सुरक्षा कर्मियों ने सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी। उसके बाद बीटीएमसी के सचिव एन दोरजी ने खादा पहनाकर स्वागत किया। इसके बाद महाबोधि मंदिर में गर्भगृह में जाकर पूजा अर्चना की। वहीं पवित्र बोधि वृक्ष को पुष्प अर्पित किए। उसके बाद पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे एक मिनट बैठकर ध्यान लगाया। उसके बाद मंदिर में स्थित भगवान शिव मंदिर को पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना किया। राज्यपाल के साथ आरएसएस के मुख्य प्रचारक इंद्रेश जी भी शामिल थे। राज्यपाल महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया मठ पहुंचे, जहां धर्म संगम की ओर से संघदान व चिविर दान समारोह में शामिल हुए। इसके बाद राज्यपाल आदि शंकराचार्य मठ गए, वहां मठ का अवलोकन किया। इसके दौरान भगवती अन्नपूर्णा अनुष्ठान में शामिल हुए। मठ के अंदर स्थापित मूर्तियां व पुस्तकालय का भी अवलोकन किया। वहीं राज्यपाल ने कहा कि भारत विश्व कल्याण का उद्देश्य है, हमारी संस्कृति एक है, अलग रंग हो सकता है लेकिन हम सभी एक हैं। फिलहाल अभी के लिए दे मुझे इजाजत। देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जीबीएन 24।